अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना कैश मॉल वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने रिसेंटली वीडियोस भी बनाई थी कि ये बेसिकली एक एक्सचेंज है, पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इस पे मैंने वीडियोस बनाई थी कि आप इसके थ्रू किसी भी एक्सचेंज के अंदर, यानी कि बाइनांस में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी अपनी पेमेंट को विड्रॉ भी करवा सकते हैं और इसके थ्रू डिपॉजिट भी करवा सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो यार यहाँ पे एक लड़की ने ट्रांजेक्शन की है, ये देखें जो ट्रांजैक्शन है वो 76,177 रुपीज़ की है और ये मारिया नाम की लड़की ने ट्रांजैक्शन किया। तो यार मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, 5,000, 10,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की बड़ी ट्रांजैक्शन अगर आपकी है तो भाई इस तरह की छोटी छोटी जो वेबसाइट्स होती हैं इन्हें यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये छोटी छोटी पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए होती है, मेरा कुछ नहीं जाएगा यार। इतनी बड़ी अमाउंट अगर ये वेबसाइट आपकी रोक लेती या आपके साथ कुछ स्कैम कर देती तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी अमाउंट्स जो है वो इस तरह की वेबसाइट्स के थ्रू नहीं ट्रांजैक्शन करते, इनके थ्रू छोटी छोटी पेमेंट्स ट्रांजैक्शन करते हैं। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ को लाजमी देखें, इसमें आपका ही फायदा है, कोई मेरा फायदा नहीं है। अगर डूबेंगे आपके पैसे जाएंगे, ज़ाया होंगे, मैं इसलिए सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो इतनी बड़ी अमाउंट इस एप्लीकेशन के थ्रू या इस तरह की और भी जितनी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू सेंड नहीं करते। छोटी छोटी अगर करनी भी है तो आपने छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करनी है, 5,000, 10,000, ताकि कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन रुके आपको फौरन पता चल जाए कि यार वेबसाइट जो है वो मेरी ट्रांजेक्शन रोक रही है, तो आप नेक्स्ट उससे ना करें। एक दफा इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कभी सेंड नहीं करते।